हेलो फ्रेंड्स वेरी वेलकम टू वेल्थ एकेडेमी आई होप एवरीबडी इज सेफ एट देयर होम एंड डूइंग योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन वेलकम अगेन टू द करेंट अफेयर्स लेक्चर आई होप दैट यू हैव गॉन थ्रू ऑल दी प्रीवियस करेंट अफेयर्स लेक्चर्स आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज एन अपडेट टू अ प्रीवियस टॉपिक जो कि है यू के बारे में सो यूनाइटेड नेशन काउंसिल में पांच नए देशों को जगह मिली है उनके बारे में हमें पढ़ना है नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इट इज़ वन ऑफ द सिक्स्थ मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस और उसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन न्यूयॉर्क कैसे यू रिलेवेंट है क्या काम करता है Uh, उसमें सुधार की क्या क्या ज़रूरत है यू रिफॉर्म्स के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है वाई इंडिया इज ट्राइंग टू गेट द परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशंस ये सारी चीज़ें वी हैव डिस्कस्ड इन पास्ट टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज दो डिटेल्स सो द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल गॉट फाइव न्यू नॉन परमानेंट मेम्बर्स ओके दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फाइव न्यू नॉन परमानेंट मेम्बर्स उनको मिले हैं वो कंट्रीज़ कौन से हैं सो दैट कंट्रीज अल्बानिया ब्राज़ील गेबोन घाना एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एस्टोनिया नाइजर सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीन्स ट्यूनिशिया एंड वियतनाम फिनिश्ड देयर टर्म्स रिसेंटली तो पांच सीट खाली हुई थी दो साल का जो उनका टर्म uh, रहता है वो ख़त्म हुआ था एंड आफ्टर दैट वापस जो इलेक्शन होते हैं उनमें अल्बानिया ब्राज़ील गेबोन घाना और यूएई को विन uh, मिला था एंड दैट्स वाई दे हैव नाउ द न्यू नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यू अल्बानिया इज़ ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वाइल ब्राज़ील इज़ टेकिंग एन इलेवेंथ टर्न तो अल्बानिया देखिए इतने सालों में 1945 में जब से यू बना है अल्बानिया पहली बार यू का मेंबर बना है तो ये पहला रिफॉर्म्स है कि दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक सेटअप क्योंकि मेंबर ऑफ नंबर ऑफ़ मेंबर्स काफ़ी कम है यूएन के टोटल 193 मेंबर के सामने यूएनएससी में सिर्फ 15 मेंबर को जगह मिलती है उसमें से भी फाइव आर परमानेंट मेम्बर्स विच इज़ पॉपुलरली नोन एज पी फाइव तो सिर्फ दस सीट खाली बचती है बाकी के वन एटी एट कंट्रीज़ के लिए और उनको हर बार उसके लिए इलेक्शन में जाना पड़ता है एंड देर आर मल्टीबल अदर कंडीशन एज वेल तो ये पहला रीज़न है यू एन एस से रिफॉर्म्स का सो अल्बानिया इज़ ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वाइल ब्राज़ील इज टेकिंग एन एलेवेंथ टर्न गैबॉन एंड घाना ईच है काउंसिल थ्री टाइम्स बिफोर एंड द यू ए ई वंस तो यू ए ई आगे पहली बार रह चुका है ये उसका uh, दूसरा टर्म होगा मोर देन फिफ्टी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वन नाइनटी थ्री मेम्बर कंट्रीज है इलेक्टेड टू द काउंसिल सिंस इट्स फॉर्मेशन तो 1945 से अब तक 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसे फिफ्टी प्लस कंट्रीज़ जिनको आज तक यू में जगह नहीं मिली है नव यू कैन इमेजिन के द मेन फंक्शन ऑफ़ यू एन इज़ ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी अब जब ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी में कोई कंट्री को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिल रहा है सो इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक सेटअप उसके लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी क्या है यू एन एस सी सो द सिक्योरिटी काउंसिल वॉज एस्टाब्लिश्ड बाई द यूनाइटेड नेशंस चार्टर इन 1945 फाइव इट इज़ वन ऑफ सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बाकी के फाइव ऑर्गन्स कौन से हैं सो द अदर फाइव ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर जनरल असेंबली तो जनरल असेंबली क्या है जहाँ पे uh, यू मस्ट हैव सीन इट ऑन द टी के जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और काफ़ी सारे हेड ऑफ़ दी स्टेट्स इन सितंबर मंथ यूजुअली इसका एयरली समिट होता है ईयरली मीटिंग होता है तब वर्ल्ड लीडर्स वहाँ पे जाके अपना स्पीच uh, देते हैं सो दैट हॉल इज पर्टिकुलरली जनरल असम्बली ऑफ़ द यूनाइटेड नेशंस जिसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशनस जनरल असेंबली यू नेक्स्ट इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक सोशल काउंसिल द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटरीट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस तो इन छः में से दई सी जे द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज ओनली एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस जिसका हेड क्वार्टर यू से बाहर का है राइट तो उसका हेड क्वार्टर है हॉग में नदरलैंड में इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू वर्क टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी राइट तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए आ, जो इंटरवेंशन की ज़रूरत है वो कौन करेगा यू एन एस सी करेगा द काउंसिल इज़ हेड क्वाटर्ड एट न्यूयॉर्क द काउंसिल इज़ हेड क्वाटर्ड एट न्यूयॉर्क मेंबर्स कौन कौन है इसमें और इसका स्ट्रक्चर क्या है सो द काउंसिलज फिफ्टीन मेंबर्स आउट ऑफ विच फाइव परमानेंट मेंबर्स आर देर एंड टेन नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर टू ईयर टर्म्स तो एक सौ तिरानवे जो देश है उसमें से पंद्रह देश uh, ऐसे हैं जिनको एट अ टाइम यू एन एस सी में जगह मिलेगी उन पंद्रह में से भी फाइव आर परमानेंट मेंबर जिनको कोई इलेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है दे आर परमानेंट मेंबर्स उनकी सीट आर रिजर्व फॉर एवर एंड दो दस लोग हैं वो हर दो साल के लिए इलेक्शन में जाएंगे द फाइव परमानेंट मेंबर्स आर यू एस ए रशियन फेडरेशन मीनिंग रशिया फ्रांस चाइना एंड दी यू के India for the eighth time has entered the UNSC as a non-permanent member last year and will stay on the council for two years, meaning 2021 to 2022. तो देखिए ये जो दो साल है वो हमारे लिए काफी important है why? Because हम UNSC में अपनी बात बहुत मुखर तरीके से रख पाएंगे. In between August 2021 में हमने UNSC Security Council की uh, जो monthly uh, समिट होती है या सिटिंग जो होती है मीटिंग जो होती है उसको भी हमने चेयर किया था सो इट्स अ प्रेस्टिजियस मोमेंट फॉर इंडिया इंडिया ने फर्स्ट जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक दो सालों के लिए इंडिया विल बी दी मेंबर ऑफ यूएनएससी फॉर द एट्थ टर्म

कैपेसिटी डेट रोटेट्स एवरी मंथ अमोंग इट्स फिफ्टीन मेम्बर्स तो हर महीने एवरी मंथ जो प्रेसिडेंसी है वो उसके पंद्रह मेबर्स में रोटेट करेगी वोटिंग पावर्स क्या है तो देखिए परमानेंट मेम्बर्स को और एक फ़ायदा है विच इज़ वीटो पावर सो ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ वन वोट डिसीजंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन मैटर्स आर मेड बाई एन एफरमेटिव वोट ऑफ नाइन मेंबर्स इंक्लूडिंग दैट कॉन् कॉन्करिंग वोट द परमानेंट मेंबर्स अ नो वोट फ्राम वन ऑफ द फाइव परमानेंट मेंबर्स ब्लॉक द पैसेज ऑफ द रिजोल्यूशन तो अगर वीटो पावर का मतलब ये है कि अगर पी फाइव कंट्री में से रशिया यूके, चाइना फ्रांस और यू में से कोई एक भी कंट्री अगर कोई रिजोल्यूशन को नेगेट में वोट देता है या नो no में वोट देता है तो वो मेजोरिटी को सुपरसीड कर लेगा दैट इज़ द पावर ऑफ वीटो वोट any member of the united nations which is not a member of the security council may participate without a vote in the discussion of any question brought before the security council whenever the letter considers that the interest of that member are specially affected so let us see india ट्वेंटी uh, थ्री से यू का मेंबर नहीं रहता है बट अगर कोई ऐसा रिजोल्यूशन आता है जिससे इंडिया को डायरेक्टली या इनडिरेक्टली अफ़ेक्ट हो रहा है तो इंडिया को उस मीटिंग में डिस्कशन uh, में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी जाएगी बाय दी यू काउंसिल ठीक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसको वो परमिशन दे देगा अभी कि वीटो पावर और रिफॉर्म्स की क्या ज़रूरत है तो पहला रिफॉर्म ये है कि जो पी फाइव मेम्बर्स हैं उनकी आपस में ज़्यादा बनती नहीं है यू एस ए और रशिया की नहीं बनती यू एस ए और चाइना की नहीं बनती यूरोप और रशिया की नहीं बनती इसकी वजह से वो लोग आपस में ही वीटो वीटो खेलते रहते हैं अगर यू एस ए कोई रिजोल्यूशन लाता है तो रशिया उसको वीटो कर देगा अगर चाइना कोई रिजोल्यूशन लाता है तो यू एस ए उसको वीटो कर देगा तो लार्जर परस्पेक्टिव में अगर देखे देखने जाए तो यू एन एस सी ने पिछले काफ़ी सालों में कोई बड़े डिसीजन नहीं लिए है जो लार्ज परस्प, लार्ज परस्पेक्टिव को फुलफ़िल करते हो एंड वहाँ पर और एक हमें नीड पता चलती है दैट वाई यू एन एस सी नीड्स एन अल्टीमेट रिफॉर्म्स ओके इंडिया का क्या पोजीशन है यू में सो इंडिया टुक एक्टिव पार्ट इन फॉर्मुलेशन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1947-48 एंड रेज्ड इट्स वॉइस पैशनेटली अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका इंडिया हैज़ प्लेड इट्स पार्ट इन फॉर्मुलेटिंग डिसीजन ऑन सेवरल इशूज सच एज एडमिटिंग फॉर्मर कॉलोनीज टू द यू एन एड्रेसिंग डेडली कॉन्फ्लिक्स इन द मिडल ईस्ट एंड मेंटेनिंग पीस इन अफ्रीका तो यू एन एस सी के जो बहुत सारे पीस कीपिंग मिशन चल रहे हैं इंडिया उसमें एक्टिवली अपनी आर्मीज नेवीज और एयरफोर्स को भेजता रहा है इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड एक्सटेंसिवली टू द यू एन पर्टिकुलरली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंडिया हैज़ टेकन पार्ट इन फोर्टी थ्री पीस कीपिंग मिशन विथ अ टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सीडिंग वन लैख सिक्सटी थाउजेंड ट्रूप्स एंड अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पुलिस परसोनल तो देखिए आज तक हमने फोर्टी थ्री बड़े बड़े पीस कीपिंग मिशन में हमने पार्टिसिपेट किया है इंडियाज पॉपुलेशन टेरिटोरियल साइज ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इकनॉमिक पोटेंशियल सिविलाइजेशनल लेगेसी कल्चरल डाइवर्सिटी पोलिटिकल सिस्टम एंड पास्ट एंड ऑन गोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यू एन एक्टिविटीज़ मेक इंडियाज़ डिमांड फॉर अ परमानेंट सीट इन द यू एन एस सी कम्प्लीटली रैशनल ठीक है तो इंडिया के जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी लार्ज लार्जर परस्पेक्टिव में पूरे एशिया पैसिफिक को यू एस ए को और यूरोप यूरोप को अफेक्ट करेंगे दैट्स वाई इंडिया ये मांग कर रहा है काफ़ी सालों से कि उसको यू एन एस सी में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए इसके लिए दो हज़ार पाँच में एक अलग से पर्टिकुलरली विथ दी एम रिफॉर्म दू यूएनएससी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था विच इज फोर जिसमें ब्राजील जापान या एंड इंडिया आर दी मेंबर्स तो ये चारों लोग ये चाहते हैं कि यूएनएससी में बड़े से बड़े रिफॉर्म्स किए जाए इश्यू क्या है यू के साथ सो फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड टेक्स्ट ऑफ मीटिंग्स सो द यूजुअल यू रूल्स डोंट अप्लाई टू दू एन एस डेलीब्रेशन एंड नो रिकॉर्ड आर कैप्ड ऑफ इट्स मीटिंग्स तो देखिए जस्ट वर्बली ही उसका सारी चीज़ें डिस्कस होती है कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता एडिशनली देर इज़ नो टेक्सट ऑफ द मीटिंग टू डिस्कस अमेंडोर ऑब्जेक्ट तो आने वाले टाइम में Uh, अगर पास्ट के कोई रेफरेंस को लेकर बात करनी है तो उसका कोई प्रूफ उनके पास नहीं रहेगा पावर प्लेन यू एन एस सी चल रहा है जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया दैट वीटो पावर दैट द यू एन एस सी इज फाइव परमानेंट में इन दिस एज द यू एन एस सी इन इट्स करंट फॉर्म हैज़ बिकम अ कंस्ट्रेंट इन अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेशनल चेंजेस एंड डायनेमिक्स इन द एरिया ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी एंड पीस तो उनको अब वापस में ही खेल रहे कि भाई तुम्हारा पास नहीं होने के पिछले का काफी सालों से नो सिग्निफिकेंट रिजोल्यूशन और कोई ठोस कदम यू एन एस सी की तरफ से हमें देखने को नहीं मिला है डिविजन अमोंग दी फाइव सो देर इज अ डीपर पोलराइजेशन विद इन दू एन मेंबरशिप सो डिसीजन आर इधर नॉट टेकन or not heeded frequent divisions within the unsc p5 end up blocking key decisions for an example with the coronavirus pandemic emergence the un and the unsc and the wh WHO failed to play an effective role in helping nation deal with the spread. okay, इसके अलावा अफगानिस्तान में जो हुआ म्यांमार में जो मिलिट्री कूप हुआ अफ्रीकन कंट्री में जो चल रहा है मिडल ईस्ट में जो चल रहा है Uh, बहुत सी जगह हमें पिछले कुछ सालों में ऐसी देखने को मिली जहाँ पे पी फाइव कंट्रीज़ ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट देखे रादर देन लार्जर ग्लोबल इंटरेस्ट एंड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन सो एब्सेंस इन द यू एन एस सी ऑफ द ग्लोबल इंपॉर्टेंट कंट्रीज लाइक इंडिया जर्मनी ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका इज़ द मैटर ऑफ कंसर्न ओके तो इंडिया जर्मनी ब्राज़ील ने मिलकर जी फोर नेशन भी बनाया है जिसमें जापान इज को-मेंबर। तो ऐसे कंट्रीज है जो जिनका गोल है कि भाई उनको या तो परमानेंट मिले, या तो कोई बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यू में किए जाए सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर यू एन एस सी एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू यू एन एस सी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक गवर्नमेंट स्कीम और वो स्कीम है उजाला तो जैसे कि हम सबको पता है कि गवर्नमेंट्स ने आफ्टर 2014 आ, एनर्जी कंजर्वेशन के एक लार्जर एम के साथ उजाला स्कीम को लॉन्च किया था जिसके तहत आ, जो भी स्मार्ट सिटीज़ है जो भी गांव है शहर है वहाँ पे लोगों को एलईडी बल्ब्स दिए गए थे ताकि पूरे देश में एनर्जी कंजर्वेशन का जो एक अवेयरनेस है वो फैले उसको सात साल खत्म हुए सो रिसेंटली सेवन मिनिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग एलईडी लाइट्स अंडर इट्स फ्लैगशिप उजाला उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल प्रोग्राम सो रीसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड 7 ईयर्स

लॉन्च इन ट्वेंटी फिफ्टीन एंड इनिशियली लेबल्ड एज दी एल ई डी बेस्ड डोमेस्टिक एफिशियंट लाइटिंग प्रोग्राम इट एम्स टू प्रमोट द एफिशियट यूसेज ऑफ एनर्जी फॉर ऑल मीनिंग द कंज्शन सेविंग्स एंड लाइटिंग तो ओके तीनों परपज इससे पूरे होने चाहिए कि कंज्पशन भी ठीक से होना चाहिए सेविंग भी होनी चाहिए और लाइटिंग भी प्रॉपर मिलनी चाहिए सो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड दैट इज नोन एज ई अ गवर्नमेंट कंपनी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर दिस प्रोग्राम तो इसको इम्प्लीमेंट किसने किया ई ने इम्प्लीमेंट किया विच इज़ वेरी प्रेस्टिजियस बॉडी

सेवेंटी एटी रुपीस पर बल्ब क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने लार्जर परस्पेक्टिव में इसको फैलाया कि आ, जो कंपनीज थी जो एलईडी बल्ब में डील करती थी उनको अपना प्राइस घटाना पड़ा एंड दैट्स व्हाई इट बिकेम एफोर्डेबल फॉर एवरीवन सो नाउ एलईडी लाइट्स आर एफोर्डेबल फॉर एवरीवन एंड देट्स वाई पीपल है एल ई डी बल्ब इंस्टेड ऑफ़ दी कन्वेंशनल बल्ब और कन्वेंशनल लाइट सोर्स

थ्री एटी सिक्स करोड़ टन्स ऑफ रिडक्शन इन सी ओ टू एमिशंस इट प्रोवाइड एन इम्पेटस टू द डोमेस्टिक लाइटिंग इंडस्ट्री इट एनकरेजिज मेक इन इंडिया एज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलईडी बल्ब हैज़ बिन इंक्रीज फ्रॉम वन लैक पर मंथ टू फोर्टी मिलियन पर मंथ तो देखिए इंडियन कंपनीज जो बल्ब के सेक्टर में काम करती थी मेक इन इंडिया को भी उनसे काफ़ी बूस्ट मिला वाई बिकॉज द डिमांड हैज़ बिन इंक्रीज एंड वाई डिमांड हैज़ बिन इंक्रीज बिकॉज द प्राइज इज़ नाउ अफोर्डेबल तो डिमांड इंक्रीज हुई तो उसके लिए जो सप्लाई चेन था वो बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया वहाँ पर काम आया अदर इनिशिएटिवस क्या लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से फॉर एनर्जी एफिशियंसी एंड एनर्जी कंजर्वेशन सो सी एनर्जी एफिशियंसी इज़ डिफरेंट एंड एनर्जी कंजर्वेशन इज़ डिफरेंट इन दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है एनर्जी एफिशियंसी का मतलब क्या है कि कितने कम पावर में आपका कोई इक्विपमेंट चल सकता है वाइल्ड एनर्जी कंजर्वेशन कि आपको बिजली की बचत करनी है तो नॉर्मल इक्विपमेंट पे आपने रेड एंड येलो कलर का स्टिकर देखा होगा थ्री स्टार फोर स्टार वाला तो अगर कोई एक थ्री स्टार ए है और कोई फाइव स्टार ए है सो फाइव स्टार इज़ मोर एफिशियंट वाई बिकॉज

पर्फॉम अचीव एंड ट्रेड स्कीम विच इज पॉपुलरली नोन एज पैट स्कीम सो इट इज अ मार्केट बेस्ड मेकेनिज्म टू एनहानस द कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन इम्प्रूविंग द एनर्जी एफिशियंसी इन एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज थ्रू सर्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी सेविंग विच कैन बी ट्रेडिड स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग का एक पूरा मार्केट स्टार्ट किया गया है सो द स्कीम वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड एंड सिक्स एंड फॉर इक्विपमेंट्स एंड अपलाइंस जो मैंने आपको येलो एंड रेड स्टिकर की बात बताई आपके घर के जो हाई कंजम्पशन वाले जो इक्विपमेंट्स हैं लाइक ए सी रेफ्रिजरेटर उस पर आपको ये रेड एंड येलो स्टिकर देखने को मिलेगा विच डिस्क्राइब्स दी एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और इक्विपमेंट एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड दैट इज़ ई जो कमर्शियल बिल्डिंग है उसमें कैसे एनर्जी कंजर्वेशन के लिए स्टैंडर्ड्स होने चाहिए तो उसको नेशनलाइज़ कर दिया गया सो इट वॉज डेवलप्ड फॉर अ न्यू कमर्शियल बिल्डिंग्स इन टू थाउजेंड एंड सेवन नेक्स्ट इज स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम सो ई एस एल रिप्लेस इज दशनल स्ट्रीट लाइट विद एल ई डीज एट इट्स ओन कॉस्ट तो ये सारे मल्टीपल इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट की तरफ से एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशेंसी को लेकर लिए गए हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाई बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल नेशनल पार्कस एंड दिस इश्यू इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड फ्लोरा एंड फोना जो ये टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो एन अपडेट फ्रॉम प्रीवियस टॉपिक और 2019 का एक टॉपिक है दो हजार में सुप्रीम कोर्ट ने जो री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता का टॉपिक था उसके ऊपर से बैन हटाया था एंड नाउ गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि उसको एक्शन प्लान नाउ इज रेडी सो रिसेंटली द मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ लॉन्च दी एक्शन प्लान फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज़ इन इंडिया अंडर विच फिफ्टी ऑफ दिस बिग कैट्स मीनिंग चीता विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन नेक्स्ट फाइव ईयर्स तो आने वाले पाँच सालों में अफ्रीकन कंट्रीज़ से चीता को मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में रीन ट्रोड्यूस किया जाएगा एंड वाई मध्य प्रदेश हैज़ बीन चोजन बिकॉज जब एनालिसिस किया गया जब टेस्ट किए गए तो मध्य प्रदेश का जो कूनो पालपुर नेशनल पार्क है इट इज फाउंड बेस्ट सूटेबल फॉर अफ्रीकन चीताज सो द एक्शन प्लान वॉज लॉन्च एट द नाइनटींथ मीटिंग ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो कि सुप्रीम अथॉरिटी है टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए एन टी सी ए इट्स अ स्टेचुटरी बॉडी सो एन टी सी एज अ स्टेचुटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज स्टेचुटरी बॉडी का मतलब क्या है जिसको किसी जरूरत की वजह से पार्लियामेंट के थ्रू कोई लॉ पास करके बनाया गया हो डेट इज नोन एज अ स्टैचुटरी बॉडी एंड वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के जो कॉन्स्टिट्यूशन जब अपलाई हुआ लागू हुआ ऑन ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन फिफ्टी तब उसमें जो एजेंसीज़ के नाम लिखे गए थे दोज आर अवर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर एन एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लास्ट ईयर इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन दी सुप्रीम कोर्ट लिफ्टिड इट्स सेवन ईयर लॉन्ग स्टे ऑन अ प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस अफ्रीकन चीताज फ्राम नामिबिया इन टू द इंडियन हैबिडाट तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्टे क्यों लगा दिया गवर्नमेंट पिछले छः सात सालों से ट्राई कर रही थी दैट चीता uh, को री इंट्रोड्यूस किया जाए वाई बिकॉज दे आर एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग अगो इन नाइनटीन फिफ्टी वाले डेकेड uh, में ही वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे सुप्रीम कोर्ट को ये डर था कि जब आप अफ्रीका से चीता यहाँ ला रहे हो तो एक आपके पास फुल प्रूफ एक्शन प्लान होना चाहिए कि आप कैसे उन चीतास को लाइफ को प्रोटेक्शन दोगे कैसे उनको ये एनवायरनमेंट आप दे पाओगे जो उनको अफ्रीका में मिल रहा है अदरवाइज़ इट्स अ वेस्ट ठीक है अफ्रीका अगर आपको 50 चीते दे रहा है और दो साल में अगर वो सारे चीते मारे जाते हैं सो दैट इज़ अ ग्रेट लॉस टू नेचर एंड ह्यूमैनिटी सो सुप्रीम कोर्ट वॉन्टेड गवर्नमेंट टू वर्क ऑन द एक्शन प्लान और उसके लिए एक कमिटी बनाई गई और वो कमिटी को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एवरी थर्टी डेज एवरी मंथ यू नीड टू सबमिट हेल्थ रिपोर्ट फ्राम द चीता फ्राम द नेशनल पार्क तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने एक्शन प्लान बनाया है री इंट्रोडक्शन क्या होता है सो री इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्पीशीज मीन्स रिलीजिंग इट एन इट इन एन एरिया वेर इट इज़ केपेबल ऑफ सर्वाइविंग मध्य प्रदेश को क्यों चुना गया है बिकॉज पॉसिबिलिटी ये कह रही है रिसर्च ये बता रहा है कि चीता जो है वो मध्य प्रदेश में उनको फेमिलियर uh, हैबिटेट उनको मिल जाएगा जहाँ पे वो इजीली सरवाइव कर पाएंगे उनका एडजस्ट होना इजी हो जाएगा सो री इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज कार्निवोरस हैव इंक्रीजिंगली बीन रिकोगनाइज एज अ स्ट्रेटजी टू कंजर्व थ्रेटेंड स्पीशीज एंड रिस्टोर इकोसिस्टम फंक्शंस तो हमें पता है कि इलीगल पोचिंग की वजह से इलीगल ट्रेड की वजह से स्मगलिंग uh, की वजह से काफ़ी सारे जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं उनको बचाने के लिए री इंट्रोडक्शन कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उसको रीइंट्रोड्यूस करवा दो और वहाँ में उनके नंबर आप बढ़ा सकते हो ताकि पूरा जो फूड साइकिल है वो चलता रहे इको सिस्टम रिस्टोर कर पाए हम द चीता इज़ दी ओनली लार्ज कार्निवॉर दैट हैज़ बिन एलिमिनेटेड मेनली बाई ओवर हंटिंग इन इंडिया इन हिस्टोरिकल टाइम्स तो पोचिंग की वजह से ओवर हंटिंग की वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए द कंजर्वेशन ऑफ द चीता विल रिवाइव ग्रास लैंड्स एंड देयर बायोमेस एंड हैबिटाट मच लाइक प्रोजेक्ट टाइगर हैज़ डन फॉर फॉरेस्ट एंड ऑल द स्पीशीज दैट हैव बीन देयर नंबर्स गो अप ठीक है तो प्रोजेक्ट टाइगर एक टाइम पे टाइगर्स के नंबर भी बहुत रैपिडली डिक्लाइन हो रहे थे इन 2000 2002 गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड प्रोजेक्ट टाइगर और 2022 तक हमें टाइगर्स के नंबर बढ़ाने थे वी हैव अचीव्ड दैट गोल बिफोर दी डेडलाइन हमने डेडलाइन के पहले ही वो जो गोल है वो अचीव कर लिया है टाइगर रिपोर्ट के बारे में भी हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे एक्सटिंक्शन का रीज़न क्या था सो हंटिंग डिमिनिशिंग हैबिटेट एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ प्रे लाइक ब्लैक बक गजेल एंड हैर जो उन जिनके ऊपर उनका लाइफ डिपेंडेंट है चीता जिनका सबसे ज़्यादा शिकार करते हैं जब वो एक्सटिंक्ट हो गए तो धीरे धीरे चीताज भी एक्सटिंक्ट हो गए लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द कैट इन इंडिया लॉन्ग अगो इन नाइनटीन

री इंट्रोडक्शन प्लान क्या है सो विथ हेल्प फ्रॉम दी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड दाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट विल बी ट्रांसलोकेटिंग अराउंड एट टू ट्वेल्व चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका नामीबिया एंड बॉट्सवान एंड दिस इज अबाउट द फर्स्ट फेज ठीक है ऑलमोस्ट एन फिफ्टी चीताज लाने वाले हैं पहले फेज़ में आठ से बारह चीताज़ को लाया जाएगा मतलब लेट्स एक पूरी फैमिली को यहाँ पे लाया जाएगा दैट इज़ साउथ अफ्रीका नामीबिया और बॉट्सवाना से तो अभी सिर्फ अफ्रीका में आपको सबसे ज़्यादा चीता देखने को मिलते हैं एशिया में देर आर चीताज़ बट ओनली इन ईरान तो ईरान अपनी एक्सक्लूसिविटी वहाँ पे खोना नहीं चाहता है इसीलिए ईरान से चीता लेना पॉसिबल हमारे व हमारे लिए नहीं हो पाया अदरवाइज़ गवर्नमेंट हैज़ प्लान फॉर दैट एज़ वेल

एन की मीटिंग में और क्या क्या डिसाइड हुआ सो वाटर एटलास के बारे में डिस्कशन हुआ सो अ वाटर एटलास दैट इज मैपिंग ऑफ ऑल वाटर बॉडीज इन द टाइगर बैरिंग एरियाज ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो बीन रिलीज द एटलास कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंस ऑफ सच बॉडीज इन सेवरल एरियाज इंक्लूडिंग द शिवाली हिल्स एंड गेंगेटिक प्लेन लैंडस्केप सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप एंड ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स लैंडस्केप नॉर्थ ईस्टर्न एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स एंड सुंदरबंस तो उनका एक मैपिंग होना चाहिए और उनके मैपिंग को रिलीज़ किया गया ताकि टाइगर की पॉपुलेशन उनके बिहेवियर को आने वाले टाइम में एनालाइज किया जा सके दी एटलास हैज बिन पुट टुगेदर यूजिंग रिमोट सेंसिंग डाटा एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग इट विल प्रोवाइड बेजलाइन इन्फॉर्मेशन टू फॉरेस्ट मैनेजर्स टू शेप देयर फ्यूचर कन्ज़र्वेशन स्ट्रेटजीज ठीक है न टाइगर का बिहेवियर क्या है उनके ऊपर फूड बॉडी वाटर बॉडीज़ की क्या असर है कैसे वो वाटर बॉडीज़ के साथ डील करते हैं ये सारी मैपिंग करके आने वाली जनरेशन फ्यूचर कन्ज़रवेशन स्ट्रेटजीज बना पाएगी कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड एक्रेडिशन को रिलीज किया गया सो फोर्टीन टाइगर रिजर्व हैव बीन एक्रेडिटेड अंडर सी ए टी एस एंड एन टी सी इज़ वर्किंग ऑन गेटिंग अदर रिजर्व इवेलुएटेड फॉर सी ए टी एस एक्रेडिशन ओके तो देखिए कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड एक्रेडिशन मतलब कि अगर किसी को ये एक्रेडिशन मिलता है ये रेटिंग मिलता है उस हिसाब से किसी भी टाइगर रिजर्व को फंड दिया जाएगा या उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा जो गैप है उसको फुलफिल करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है सो सी ए टी एस हैज़ बीन अग्रीड अपॉन एज एन एक्रेडिशन टूल बाई द ग्लोबल कोईगर रेंज कंट्रीज एंड हैज़ बीन डेवलप्ड बाई दी टाइगर एंड प्रोटेक्टेड एरिया एक्सपर्ट्स तो आने वाले टाइम ताँग में टाइगर को कैसे एक्सटेंट होने से बचाना है उनकी पॉपुलेशन को कैसे इंक्रीज़ करना है उसके लिए ये एक्रेडिशन जितने भी टाइगर वाले कंट्रीज़ हैं उनको दिया जा रहा है इंडिया में टाइगर रिजर्व्स को भी ये एक्रेडिशन दिया जा रहा है सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी चीता एंड एन चीता की जब हम बात कर रहे हैं तो वी नो टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ चीता दैट इज़ अफ्रीकन चीता एंड एशियाटिक चीता सो उनका आई यू सी एन स्टेटस इज वरेबल एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड रिस्पेक्टिवली देन साइट स्टेटस इज अपेंडिक्स वन एंड अपेंडिक्स वन नियर टू एक्सटिंक्ट साइट्स में उनको रखा गया है डिस्ट्रीब्यूशन क्या है तो अफ्रीकन चीता के जो पॉपुलेशन है दैट इज नियर टू सेवन थाउजेंड चीता इन अफ्रीका एंड एशियाटिक चीता इज ओनली प्रेजेंट इन ईरान जो कि है चालीस से पचास फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दोनों में uh, काफ़ी डिफरेंट है सो अफ्रीकन चीता जो है दैट इज़ बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू एशियाटिक चीता एशियाटिक चीता इज स्मॉलर एंड पेलर देन अफ्रीकन चीता हैज़ मोर फर अ स्मॉलर हेड एंड अ लॉन्गर नेक यूजअली हैव रेड आइज एंड दे हैव अ मोर कैट लाइक अपियरेंस राइट तो आप क्लियरली देखिए इमेज में उसको देख सकते हो दैट देर इज अ विजिबल डिफ्रेंस इन बोथ द स्पीशीज ऑफ दी चीता वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया में कंजर्वेशन स्टेटस देता है उनको अपेंडिक्स वन में रखा गया है मीनिंग उनका जो पोचिंग है दैट इज़ इलीगल अगर पोचिंग करते हुए आप पकड़े जाओगे तो आपको जेल की सज़ा तक हो सकती है तो आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो भी आई और साइट्स के एडिशन में आपको याद रखना है सो दिस दिस इज ऑल अबाउट द अफ्रीकन एंड एशियाटिक चीता एंड गवर्नमेंट्स एक्शन प्लान टू री इंट्रोड्यूस चीता इन दूनो पालपुर नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन और इंडिया और नेपाल के बीच में एक नया ब्रिज बनाने के लिए आ, महाकाली रिवर के ऊपर गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड दी प्लान सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल डिमेंशन ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशंस थ्रू दिस टॉपिक सो रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ क्लियर अ प्लान टू बिल्ड अ न्यू ब्रिज कनेक्टिंग इंडिया एंड नेपाल ओवर द महाकाली रिवर एंड लिंक धारचूला इन उत्तराखंड विथ नेपाल्स धारचूला रीजियन तो दोनों साइड के धारचूला रीजियन को महाकाली रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनाकर जोड़ा जाएगा ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच ईजी एक्सेस हो सके गुड्स uh, की एंड सिटीजन्स uh, की द ब्रिज विल बी कम्प्लीटेड विद इन थ्री ईयर्स इट विल स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज इंडिया एंड नेपाल शेयर यूनिक टाइज ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। दी कंस्ट्रक्शन ऑफ़ द ब्रिज विल हेल्प पीपल लिविंग इन धारचूला इन उत्तराखंड एंड इन द टेरिटरी ऑफ नेपाल तो बेसिकली बॉर्डर एरियाज में वी ऑफन सी कि जो डेवलपमेंट होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी कम होता है और उत्तराखंड की तो ज्योग्राफिकल लोकेशन भी ऐसी है कि इट्स अ हिली एरिया तो वहाँ पर बाई डिफॉल्ट जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी मुश्किल है तो इस वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो यहाँ के लोगों को नहीं मिलते इस ब्रिज के बनने से जो गुड्स की जो टू एंड फ्रो है वो यहाँ पे इजी हो जाएगा महाकाली रिवर क्या है सो इट इज़ आल्सो नोन एज दी शारदा रिवर और काली गंगा रिवर इन उत्तराखंड इट जॉइंस घाघरा रिवर इन उत्तर प्रदेश विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर और कौन से कौन से हैं सो so, तनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चावेलिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड शारदा बैरिज जो महाकाली रिवर के ऊपर बनाए जा रहे हैं इंडिया नेपाल के रिलेशन कैसे हैं? तो देखिए जब से इंडिया और नेपाल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप हुए हैं वी शेयर अ गुड फ्रेंडशिप बट देर आर सम टॉपिक्स जिसके ऊपर हमेशा से इंडिया और नेपाल का uh, के बीच डिस्प्यूट चलता आ रहा है बट वी ऑलवेज ट्राई टू रिजोल्व दीज डिस्प्यूट्स वायर टॉक्स हमें कभी भी लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी या नेपाल के साथ हमें हमारा कभी आर्मी स्टैंड ऑफ नहीं हुआ जैसे कि पाकिस्तान और चाइना के साथ होता रहता है पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि नेपाल की जो चुनी हुई गवर्नमेंट थी वो प्रो चाइना थी तो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से नेपाल ने इंडिया के खिलाफ काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से दोनों के रिश्तों में थोड़ा बैकफुट पे हमें जाना पड़ा बट स्टिल इंडिया इज़ ट्राइंग कि चाइना नेपाल के ऊपर हावी ना हो जाए एंड दैट्स वाई इंडिया इज़ मेंटेनिंग इट्स काम और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही है इंडिया इज़ हेल्पिंग नेपाल हिस्टोरिकल टाइज है हमारे बीच सो नेपाल इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेबर ऑफ इंडिया एंड ऑक्यूपाइज स्पेशल सिग्निफिकेंस इन इट्स फॉरेन पॉलिसी बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिक हिस्टोरिकल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लिंकेज टाइज दैट स्पैन सेंचुरीज तो देखिए मेजर जो हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म है हम शेयर करते हैं नेपाल तीन साइड से इंडियन स्टेट से जुड़ा हुआ है तो नेपाल की तीन साइड से जो उसका ट्रेड है वो इंडिया के साथ बना हुआ है लॉन्ग uh, सेंचुरी जब बॉर्डर्स नहीं थे इवन इन हिस्टोरिक टाइम्स इंडिया एंड नेपाल शेड अ गुड रिलेशन सो इंडिया एंड नेपाल शेयर सिमिलर टाइज इन टर्म्स ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़म विथ बुद्धास बर्थ प्लेस लुम्बिनी लोकेटेड इन प्रेजेंट डे नेपाल the two countries not only share an open border and unhindered movement of people but they also have close bonds through marriages and family ties popularly known as roti beti ka rishta to dekhi pakistan ke sath hamari highly militarized border hai चाइना के साथ हमारी highly militarized border है, but nepal के साथ it's a free border ab easily nepal और इंडिया में टू एंड फ्रो कर सकते हो इतना इजी खुला बॉर्डर वहां पे रखा गया है देर इज़ नो मिलिट्री इन बिटवीन टू कंट्रीज जस्ट चेक पॉइंट आर बींग मेड द इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ नाइनटीन फिफ्टी फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ द स्पेशल रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया कैन बी स्टडीड फ्रॉम टू डिफरेंट एंगल देयर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया नेशनल सिक्योरिटी तो देखिए क्योंकि नेपाल है हमारा चाइना के साथ उतने रीजन में डायरेक्ट पाला नहीं पड़ता है तो वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है नेपाल का अगर चाइना इंडिया में स्वप इन करना चाहता है तो वो नेपाल को लालच देकर अपना बेस नेपाल में बना सकता है एंड दैट्स वाई डिफेंस पर्सपेक्टिव से नेपाल को हमारे हाथ में रखना इंडिया के साइड रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो कभी कभी अगर नेपाल बदतमीज़ी करता भी है इंडिया के साथ ठीक है ना तो इंडिया उसको कामली हैंडल करने की कोशिश करता है वाई बिकॉज इंडिया चाहता है कि नेपाल को हर तरीके से खुश रखा जाए ताकि नेपाल चाइना के पास ना जाए इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया कैन बी स्टडी फ्रॉम टू डिफरेंट एंगल्स फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड दैट इज़ देयर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी द अदर वन इज़ देयर प्लेस इन इंडियाज़ रोल परसेप्शन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो इंडिया अपने नेबर्स को कैसे हैंडल करता है उसके बेसिस पे उसकी काफ़ी सारी और पॉलिसीज़ भी डिफाइन करती है एंड दैट्स वाई नेपाल के साथ हमारा रिश्ता इज़ इम्पॉर्टेंट यू एन में भी हमें नेपाल के सपोर्ट की काफ़ी मुद्दों पर ज़रूरत पड़ती है सो दैट्स वाई ऑल्सो नेपाल के साथ के जो रिलेशन है वो इंडिया के लिए बहुत मायने रखते हैं रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन नेपाल फीड दी पेरिनील रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी एंड हाइड्रो पावर पोटेंशियल तो हमारे काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स है वो आ, नेपाल से आने वाली नदियों के ऊपर बने हुए हैं ट्रेडिंग ट्रेड एंड इकोनॉमी क्या कहता है सो इंडिया इज नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिसाइड्स प्रोवाइडिंग ट्रांजिस्ट फॉर ऑलमोस्ट दर थर्ड कंट्री ट्रेड ऑफ नेपाल तो देखिए नेपाल के पास कोई सी लिंकेज uh, नहीं है ठीक है ना इट्स ए लैंड लॉक्ड कंट्री तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर इंडिया नेपाल को किसी इंडिया के अलावा अगर किसी फॉरेन कंट्री से ट्रेड करना है तो उसको बे ऑफ़ बंगाल में अपना शिप मंगवाना पड़ेगा और फिर इंडिया के थ्रू ही उसको रोड से उसको अपने यहाँ पे शिप करवाना पड़ेगा तो इंडिया नेपाल का जो वन थर्ड ट्रेड है वो इंडिया के थ्रू जाता है और नेपाल का जो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है दैट इज़ ऑल्सो इंडिया लार्जेस्ट इन्वेस्टर जो है एफडीआई जो है वो भी इंडिया से जाते हैं तो इतने स्ट्रांग रिलेशन हमारे नेपाल के साथ ट्रेड और इकोनॉमी को लेकर है कनेक्टिविटी सो नेपाल बीइंग अ लैंड लॉक्ड कंट्री इट इज़ सराउंडेड बाय इंडिया फ्रॉम थ्री साइड्स एंड वन साइड इज ओपन टुवर्ड्स तिबेट व्हिच हैज़ वेरी लिमिटेड वेहीक्यूलर एक्सेस ड्यू टू द दियोग्राफिकल लोकेशन और जियोग्राफिकल लिमिटेशंस इंडिया एंड नेपाल हैज़ अंडरटेकन वेरियस कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स टू एनहानस पीपल टू पीपल लिंकेजिज एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर जब पहली बार बने थे ट्वेंटी फोर्टीन में तो उन्होंने अपने ओथटेकिंग सेरेमनी में नेबरहुड कंट्रीज़ को बुलाया था सारे सार्क कंट्रीज़ को बुलाया था टू एन्श्योर कि सबका साथ सबका विकास इज नॉट ओनली फॉर इंडिया इट इज़ फॉर नेबरहुड कंट्रीज एज वेल अगर इंडिया ग्रो करता है तो नेपाल भी ग्रो करेगा बांग्लादेश भी ग्रो करेगा श्रीलंका भूटान मालदीव सारे ही कंट्री ग्रो करेंगे तो वो भरोसा दिलाने के लिए उनको टेकिंग uh, सेरेमनी में बुलाया गया था एंड नेक्स्ट डे दे दिट्रल टॉक्स विथ ईच कंट्री ऑल्सो हैपंड सो इंडिया एंड नेपाल हैज़ अंडरटेकन वरियस कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स टू एनहांस पीपल टू पीपल लिंकेजेस एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एमओ यूज हैव बीन साइंड बिटवीन बोध दी गवर्मेंट्स फॉर लेविंग एन इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक लिंकिंग काठमांडू विथ रक्सॉल इन इंडिया तो रक्सौल बिहार का एक जगह का नाम है बॉर्डरिंग टाउन है उसके साथ नेपाल को रेल के थ्रू जोड़ा जा रहा है इंडिया इज़ लुकिंग टू डेवलप दी इनलैंड वाटर वेज फॉर दी मूवमेंट ऑफ कार्गो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजिट अग्रीमेंट्स प्रोवाइडिंग एडिशनल एक्सेस टू सी फॉर नेपाल कॉलिंग इट लिंकिंग सागर माथा विथ सागर राइट right, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी लिंकिंग नेपाल के पास वो फैसिलिटी नहीं है बींग अ लैंड लॉक्ड कंट्री इंडिया उसको भी इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहा है डिफेंस कोऑपरेशन क्या है सो बाइलेक्ट्रल डिफेंस कोऑपरेशन इंक्लूड्स असिस्टेंस टू नेपालीज आर्मी इन इट्स मॉडर्नाइजेशन थ्रू प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग द गोरखा रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी आर रेज्ड पार्टली बाय रिक्रूटमेंट फ्रॉम हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नेपाल इंडिया फ्राम टू थाउजेंड एलेवन एवरी ईयर अंडरटेक्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद नेपाल नोन एज सूर्यकिरण तो देखिए हमने एक गोरखा रेजिमेंट बना के रखा है जिसमें पार्टली रिक्रूटमेंट जो है वो नेपाल के हिली डि डिस्ट्रिक से किया जाता है वो उनको डेमोक्रेसी uh, सेटअप करने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए डेमोक्रेटिक ओवरऑल सेटअप के लिए इंडियन एजेंसीज उनको मदद कर रही है डिफेंस कोऑपरेशन भी जो हमारा है वो काफ़ी ज़्यादा है कल्चर वाइज टू ऑलरेडी वी नो देट देर हैव बीन इनिशिएटिव टू प्रमोट पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स इन दी एरिया ऑफ आर्ट एंड कल्चर एकेडमिक्स एंड मीडिया विद डिफरेंट लोकल बॉडीज ऑफ नेपाल इंडिया हैज़ साइंड थ्री सिस्टर सिटी अग्रीमेंट्स फॉर ट्विनिंग काठमांडू वाराणसी लुम्बिनी बोधगया एंड जनकपुर अयोध्या तो इन तीनों सिटीज़ और नेपाल के तीन सिटीज़ को आपस में पैर बनाकर सिस्टर सिटीज़ के तौर पर आ, डेवलप करने का आ, प्रोग्राम भी बन गया है अग्रीमेंट हो चुका है अ सिस्टर सिटी और ट्विन टाउन रिलेशनशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ लीगल और सोशल अग्रीमेंट बिटवीन टू जियोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली डिस्टिंक्ट लोकेलिटीज़ जापान के साथ भी हमने ऐसे मल्टीपल अग्रीमेंट्स किए हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मतलब जब भी जब भी नेपाल को जरूरत पड़ी है जो पहला हेल्पिंग हैंड है वो इंडिया की तरफ से गया है दिस इज बिन द हिस्ट्री ओके दिस इज़ बिन द ट्रेडिशन नाउ सो नेपाल लाइज इन अ सेंसिटिव इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन विच इज़ अ प्रोन टू अर्थक्वेक फ्लड्स कॉजिंग मैसिव डैमेज टू बोथ लाइफ एंड मनी वेयर बाय इट रिमेंस द बिगेस्ट रिसिपियंट ऑफ इंडियाज़ ह्यूमेनिटेरियन असिस्टेंस तो आज तक हमने सबसे ज़्यादा ह्यूमेनिटेरियन ग्राउंड पे मदद किसको की है नेपाल को की है और सबसे पहले मदद की है मल्टीलेटरल पार्टनरशिप हम शेयर करते हैं सो इंडिया एंड नेपाल शेयर मल्टीपल मल्टीलेट्रल फोरम्स सच एज़ बी बी आई एन दैट इज़ बांग्लादेश भूटान इंडिया एंड नेपाल ग्रुप बिम्स्टेक दैट इज़ बी ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन नॉन अलाइंट मूवमेंट एंड सार्क दैट इज़ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एक्सेट्रा यू एन में भी हमें नेपाल का बार बार सपोर्ट मिलता रहता है इश्यूज़ एंड चैलेंजेस क्या है तो पहला जो बड़ा इश्यू पिछले कुछ सालों में हमें देखने को मिला है दैट इज़ चाइनाज़ इंटरवेंशन सो एज लैंड लैंडलॉक्ड नेशन नेपाल डिपेंडेंट फॉर मेनी ईयर्स ऑन इंडियन इम्पोर्ट्स एंड इंडिया प्लेड एन एक्टिव रोल इन नेपाल्स अफेयर्स तो इवन इन पोलिटिकल अफेयर्स ऑल्सो इंडिया ने काफ़ी इंटरफेयर किया है ये इन्श्योर करने के लिए कि चाइना वहाँ पर ना घुस पाए However in recent years Nepal has drifted away from India's influence and China has gradually filled the space with investment aid and loans. China considers Nepal a key partner in its Belt and Road initiative and wants to invest in Nepal's infrastructure as part of its uh, grand plans to boost the global trade. राइजिंग नेपाल एंड चाइना कोऑपरेशन कैन अंडर नेपाल नेपाल्स डिस्टिंगशन ऑफ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना फिर चाइना भी तिबेट की तरह नेपाल को भी कैप्चर कर लेगा आने वाले सालों में चाइना का कोई भरोसा नहीं है सो इंडिया इज़ ट्राइंग कि भाई चाइना से नेपाल को जितना दूर रखा जा सके उतना इंडिया की सिक्योरिटी के लिए अच्छा होगा चाइना ऑन द अदर हैंड वॉन्ट्स टू अवॉइड दी फॉर्मेशन ऑफ एनी एंटी चाइना स्टांस बाई द टिबेटन्स लिविंग इन नेपाल तो चाइना भी ये ट्राई कर रहा है कि उसका इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़े बॉर्डर डिस्प्यूट पिछले एक दो सालों में हमें देखने को मिला है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल सो द इश्यू इरप्टेड इन नवंबर 2019 व्हेन नेपाल हैड रिलीज्ड अ न्यू पॉलिटिकल मैप दैट क्लेम्स दैट कालापानी लिंपियाधूरा एंड लिपू लेक ऑफ उत्तराखंड एज पार्ट ऑफ़ नेपाल्स टेरिटरी तो ये जो तीनों है वो उत्तराखंड की इंडियन टेरिटरीज है बट नेपाल इतने सालों बाद जागा है कि भाई हमारी टेरिटरी है तो उसका भी एक रीज़न माना जाता है चाइनीज इन्फ्लुएंस सो द एरिया ऑफ सुस्ता इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कैन ऑल्सो बी नोटेड इन द न्यू मैप तो वो भी गवर्नमेंट ट्राई करी है टॉक से सुलझाने के लिए ओके okay, तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट को छोड़कर और छोटे मोटे इश्यू को छोड़कर देर इज़ नो मेजर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एंड वी शेयर गुड हिस्टोरिकल कल्चरल एंड इकनॉमिक रिलेशन एज वी ऑलरेडी डिस्कस सो दिस वॉज योर टूडेज लेक्चर प्लीज़ डू लेट मी नो इन केस ऑफ एनी डाउट आई होप देट यू हैव अंडरस्टेंड इच इन एवरी टॉपिक टिल दैट टाइम स्टे होम स्टे हैप्पी थैंक यू